सोलन के पुलिस ग्राउंड में 23 दिसंबर को आयोजित होने वाले भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियां पूरी जोरों पर है। आज सीएम जयराम ठाकुर ने इन तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा, प्रदेश प्रवक्ता शशिधर एवं स्थानीय भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में करीब 33,000 पन्ना प्रमुख के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन को सफल करने के लिए समितियों का गठन भी किया गया है और उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो कार्यकर्ताओं में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से जोश भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की झोली में चारों सीटें आए, उसी मकसद को पूरा करने के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि सोलन में आयोजित पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भाग लेंगे। यदि संभव हुआ तो कोई अन्य केंद्रीय नेता भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। शिमला लोकसभा क्षेत्र का पन्ना प्रमुख का सम्मेलन है, उस सम्मेलन के सिलसिले में भी सोलन गया था, तैयारी चल रही है और उसमें 33,000 टोटल पन्ना प्रमुख बनते हैं, तो मुझे लगता है कि 25 से 30,000 के लोग जो है वो उस कार्यक्रम में सर केंद्र से कौन कौन आएगा? पार्टी की ओर से प्रदेश का नेतृत्व तो सारा रहेगा और उसके साथ साथ में केंद्र से हमारे प्रभारी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में पार्टी की ओर से आग्रह किया कि कोई वरिष्ठ और नेता भी अगर केंद्र से उपलब्ध हो पाएगा तो वो भी रहेगा। आदर्श हिमाचल ब्यूरो रिपोर्ट।